हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। एंड आज के इस वीडियो में मैं कोई सा भी गेम प्ले नहीं करने वाला हूँ, मैं एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ जिसका नाम होगा रेडस्टोन सीरीज। एंड इस सीरीज में मैं रेडस्टोन का कुछ मैकेनिक्स का काम करूँगा। एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप ऑटोमेटिक डोर्स कैसे बना सकते हैं माइनक्राफ्ट में, वो भी बिल्कुल ईजी, उसमें आपको ज़्यादा सामान नहीं लगता। तो इस चेस्ट के अंदर सारा सामान है एंड आपको यहाँ पर 4 प्रेशर प्लेट चाहिए। मैंने यहाँ पर गलती से 2 ले लिए एंड मैं उसे बाद में कभी एक्स्ट्रा ले लूँगा, फिर मैं उसे लगा दूँगा। तो अभी आपको ये सारा सामान चाहिए एंड आप वुड प्लैंक्स के जगह कोई और प्लैंक्स भी ले सकते हैं या फिर कोई और ब्लॉक्स, और ग्लास ब्लॉक्स की जगह आप कोई और ब्लॉक्स भी ले सकते हैं। तो अभी आपको यहाँ पर 6 ब्लॉक्स को डिक करना है एंड 2 लेयर तक आपको डिक करना। तो यहाँ से मैं जल्दी जल्दी डिक कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर 2 लेयर तक डिक कर दिया एंड आपको अब बीच वाले साइड से यहाँ पर आपको इस तरीके से डिक करना जैसे कि अभी मैं कर रहा हूँ। आपको 2 लेयर डिक करना है, फिर आपको 1 लेयर को डिक करना है, फिर आपको जो भी बाकी साइड बाकी है उसके ऊपर आपको रेडस्टोन लगा देना। तो मैं जल्दी जल्दी रेडस्टोन को लगा लेता हूँ। एंड हमारा रेडस्टोन नीचे तो लग चुका है एंड अभी आपको यहाँ पर लगाना है 1 रेडस्टोन टॉर्च एंड उसके ऊपर कोई सा भी प्लैंक जो आपको अच्छा लगे या फिर कोई सा भी ब्लॉक्स, फिर उसके ऊपर एक और रेडस्टोन। एंड अभी मैं वही काम को भी यहाँ पर कर लेते हैं, 1 रेडस्टोन टॉर्च, उसके ऊपर कोई सा भी ब्लॉक एंड उसके ऊपर और 1 रेडस्टोन। तो रेडस्टोन ये वाला लाइट रेड जल चुका है, इसका मतलब कि वो वाला रेडस्टोन एक्टिवेटेड है दोनों तरफ। एंड अभी बाकी जहाँ पर गड्ढा बचा है वहाँ पर आपको फिल कर लेना। मैं आपको स्टिकी पिस्टन को इस साइड में लगाना है, एक स्टिकी पिस्टन आपका यहाँ लगेगा, फिर उसके ऊपर भी एक स्टिकी पिस्टन लगेगा। एंड अभी मैं यहाँ लगा लेता हूँ, फिर इसके ऊपर भी एक स्टिकी पिस्टन आपको कुछ इस तरीके से लगाना है। ये वाला स्टिकी पिस्टन भी एक्टिवेट हो गया एंड अभी आपको इसके ऊपर वाला को भी एक्टिवेट कर देना है। तो हमारा बस ये वाला बेस कंप्लीट होने वाला है एंड अभी मैं यहाँ पर ग्लास लगा देता हूँ। आप कोई सा भी ब्लॉक्स लगा सकते हैं जिस ब्लॉक्स का आपका डोर होगा। एंड अभी आपको चाहिए फाइनली कुछ प्रेशर प्लेट्स। तो अभी मेरे पास तो 2 ही हैं, मैं फिर बाद में 1-2 प्रेशर प्लेट्स भी ले लूँगा। तो ये रहे मेरे 2 प्रेशर प्लेट्स एंड अभी आपको इसे इस जगह पर लगाना है डोर के सामने। एंड जब भी आप उसके ऊपर पैर रखोगे आपका ये वाला डोर ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। एंड हमारा ये वाला डोर ऑटोमेटिकली ओपन हो चुका है, बट अगर आप बाहर वाला बेस बनाओगे, मान लीजिए कि ये वाला बाहर वाला बेस है, तो आप अंदर वाले बेस की तरफ से बाहर नहीं जा पाओगे, तो आपको उस तरफ भी प्रेशर प्लेट्स लगाने पड़ेगी। एंड अभी ये वाला हमारा बन चुका है अपने आप ऑटोमेटिकली ओपन होने वाला डोर, तो आप उसे माइनक्राफ्ट में इजीली बना सकते हो। एंड ये बहुत सिंपल है, इसके लिए आपको ज़्यादा चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। एंड आप यहाँ पर हाउस भी बना सकते हो इस ऑटोमेटिक डोर की मदद से एंड आप इस वाले ऑटोमेटिक डोर को छुपा भी सकते हो। तो वो सब मैं अगले वीडियो में दिखाऊंगा। आज के इस वीडियो में मैंने आपको पता माइनक्राफ्ट गेम के अंदर ऑटोमेटिक हाउस कैसे बना सकते हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए टाटा बाय।